आज जो हम लोग का टॉपिक है सर्वे में, यानी टोटल स्टेशन में जो हम लोग टोटल स्टेशन सीख रहे हैं, वो सौकिया का टोटल स्टेशन है। और मैं मोहम्मद शाहबुद्दीन, एम्स टेक्निकल मैनेजिंग शूट का ट्रेनर और डायरेक्टर। तो सर्वे के लिए आप लोग आए, एम्स में सीखें, कोर्स करें और जॉब गारंटी है भाई, जॉब मिल जाएगा आपको, जॉब का दिक्कत नहीं है। तो जो हम लोग का टॉपिक है वो है आज का खास, जिसे हम लोग कहते हैं REM। क्या बोलते हैं? REM। तो हम लोग ने एंगल पर, यानी टोडोलाइट पर और EDM पे प्रैक्टिस किया था पहले, जिसमें हम लोग ने लेबलिंग निकालना, कैसे किसका लेबल निकालता है ये देखे थे, अलाइनमेंट चेक करना भी सीखे थे। अब जो हम लोग अभी तक काम कर रहे थे वो मतलब डायरेक्ट एंगल पर काम कर रहे थे, अब ऑटोमेटिक वर्क करेंगे। क्या करेंगे? ऑटोमेटिक डिस्टेंस। तो ऑटोमेटिक डिस्टेंस निकालने के लिए REM होता है, REM माने रिमोट एलिवेशन मेजरमेंट, रिमोट एलिवेशन मेजरमेंट। किसी किसी मशीन में इसको RDM के नाम से भी जाना जाता है, रिमोट डिस्टेंस मेजरमेंट, रिमोट डिस्टेंस मेजरमेंट भी कहते हैं। तो ये रिमोट का मतलब है ऑटोमेटिक निकलेगा। इसको निकालने के लिए हमको सबसे इम्पोर्टेंट जो ज़रूरत होगा वो होगा जेनिथ एंगल का। किसका? जेनिथ एंगल, यानी हम उसको कह सकते हैं वर्टिकल एंगल। जेनिथ का माने होता है टॉप। क्या होता है? जैसे मान लो ये हमारा ट्रायंगल है, तो टॉप, ये टॉप है हमारा, इसको एंगल क्या कहते हैं? जेनिथ एंगल है हमारा। ये हमारा हॉरिजेंटल एंगल है, ये हमारा वर्टिकल एंगल है। तो हॉरिजेंटल को हम अजीमुथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अजीमुथ कहते हैं। उसी तरह से ये हमारा है स्लोप डिस्टेंस, शॉर्ट में कह रहे हैं SD। दिस ए वर्टिकल डिस्टेंस VD, HD। तो एक तरीका इसको निकालने का है कि हम मैनुअली निकाल सकते हैं डिस्टेंस से और एंगल से, डिस्टेंस से और एंगल से, थ्योडोलाइट यूज करके। और एक तरीका हमारा है कि हम इसको ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। तो ये निकलेगा क्या? ये निकलेगा ये हाइट, वर्टिकल हाइट। कौन सा? पहले अलाइनमेंट के लिए हम लोग ने हॉरिजेंटल डिस्टेंस सीखा था, अब किसी चीज का हाइट निकालना है तो वर्टिकल डिस्टेंस। क्या करना है? वर्टिकल डिस्टेंस करना है हमको। जैसे ये दीवार का हाइट निकालना है, मान लो लैंपोस लगा होता रोड में, टावर लगा होता इलेक्ट्रिकल का ट्रांसमिशन लाइन में, वो ट्रांसमिशन लाइन का हाइट निकालना है आपको, बिल्डिंग का हाइट निकालना है म्यूनसिपैलिटी के तरफ से, कि बोला गया 4th फ्लोर तक बना सकते हैं, आपने 6 बना लिया, चेकिंग करेंगे हाइट का कितना है। तो हाइट का डिस्टेंस होता है गवर्नमेंट में कि आप घर 10 फीट पर बना सकते हैं। कितना पे? कितना पर? 1 फ्लोर 10 फीट, 1 फ्लोर 10 फीट। आपने घर बना लिया, मान लो 4 फ्लोर बनाए लेकिन आपका फिट है 55, कितना? तो 5 फीट का आपका एक्स्ट्रा गया है, तो हो सकता है गवर्नमेंट डेमोलेट कर दे घर को। तो ये हम चेक करने के लिए REM कमांड यूज करते हैं। कौन सा? रिमोट REM। दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक प्रिज्म से और एक विदाउट प्रिज्म, यानी लेजर से। लेजर से काम करने को एडवांस सर्वे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडवांस सर्विंग कहते हैं हम लोग लेजर से अगर काम करते हैं तो, ठीक है। तो जहां पर ही प्रिज्म नहीं पहुंच सकता, नहीं जा सकता, वह हम लेजर यूज करेंगे। लेजर यानी के रिफ्लेक्टर लेस, क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्टर लेस यूज करेंगे वहां पे। तो यहाँ पर हम लोग फिर से आते हैं, तो जेनिथ, तो इसके लिए क्या करते हैं, हर मशीन में अलग अलग सिस्टम होता है। तो जैसे सौकिया की मशीन है, सौकिया में हमको जाना होगा फंक्शन में। कहाँ जाना होगा? फंक्शन में भी हम REM ढूंढेंगे। और एक जगह है, मेनू में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मेनू में जाएंगे। फिर मेनू में जाने के बाद REM में जाएंगे। REM में जाने के बाद सबसे पहले
हम लोग हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर करेंगे। क्या करेंगे? पहले हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। करने के बाद अपने टेलीस्कोप को बॉटम पर रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? कहाँ पे मेजर करेंगे? यहाँ पे। और अगर प्रिज्म हाइट दिए 1.5 तो फिर यहाँ मेजर करेंगे। कहाँ पर करेंगे? प्रिज्म का जो हाइट दिए हमने, तो फिर ऐसे। अगर प्रिज्म हाइट नहीं डाले हैं तो प्रिज्म को उल्टा करके नीचे लेंगे। कहाँ लेंगे? और हाइट दे दिए तो वो जीरो हो जाएगा आपका। तो जैसे ये मेजर होगा, इसका वर्टिकल क्या हो जाएगा? वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो हो गया, यानी 1.5। या फिर वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 1.5। तो जैसे उल्टा किए जीरो हो जाएगा, सीधा रखेंगे 1.5 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? दूसरा टेलीस्कोप और एडीएम, अपने एडीएम को ऊपर उठाएंगे, अप करेंगे। क्या करेंगे? अप करते जाएंगे जैसे, तो वर्टिकल डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा 3.65, ऐसे दिखाता जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस तरह से हम लोग आरईएम को निकालेंगे। तो ये थ्योरी पहले जो हमने बताया ये करेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग अभी प्रैक्टिकल भी करेंगे, उसको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे उसको करेंगे कैसे। ठीक है, ओके, गुड बाय।